राम राम दोस्तों, ट्रैक्टर म्यूजिक सिस्टम की फिटिंग कैसे की जाती है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपको आज हम ट्रैक्टर म्यूजिक सिस्टम की फिटिंग कैसे होती है वो दिखाएंगे, इस वीडियो के अंदर समझाएंगे। फिटिंग आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या फिर ट्रैक्टर मार्केट के अंदर जाकर वहाँ भी इसकी फ़िटिंग करवा सकते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कोई ज़्यादा इसमें फंडे वाली बात होती नहीं है। और बिल्कुल सिंपल सा आपको जो है मजबूती करनी होती है अपनी पेटी की। और हमारे जो ट्रैक्टर पर पेटी कुछ इस तरह से दिखती है भाई, तो बहुत ही सॉलिड फिटिंग करवा रखी है हमने अपनी पेटी की। ये देखो छतरी से इतनी बार है ये फिटिंग, और ये देखो पूरी सॉलिड फिटिंग हो रही है। तो चलिए आपको मैं इस फिटिंग में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं वो समझाता हूँ। ये पेटी आपकी भाई, आप जहाँ से ख़रीदते हो ये पेटी ऐसी आती है, उसके बाद में जो बाहर से आपको क्या सामान खरीदना पड़ता है, अगर आप इन पाइपों के ऊपर फिटिंग कर रहे हैं ना, तो ये दो पाइप आती हैं देखो इस तरह की, ये सिंपल पाइप आएंगी। एक पाइप तो ये होती है, ये यहाँ तक इतनी गई है, सेम दूसरी पाइप होती है, सेम यही पाइप नीचे तक। तो अब थोड़ी दूर से दिखा दूँ, ये दो पाइप होती हैं भाई। इनके ऊपर एक्स्ट्रा क्या लगता है, इनके ऊपर एक्स्ट्रा लगती है ये पत्ती। ये एक पत्ती इस पाइप के थोड़ी आगे तक, यहाँ तक वेल्ड होती है, उसके बाद ये इसकी स्पोर्ट लगती है, यहाँ से यहाँ तक स्पोर्ट होती है। सेम इस तरह ये पत्ती यहाँ तक होती है, सेम ये इसकी स्पोर्ट होती है। उसके बाद जो पेटी में क्या आता है इसके साथ में, पेटी में साथ में ये पत्ती आती है भाई। और इस पत्ती को आपको इस तरह से यहाँ पे जो है फिट कर लेना है, ये जो पेटी के ऐसे फिट हो जाए, ये देखो ऐसे ऐसे फिट होते ही। और आपको दो नट यहाँ पे डालने हैं, और दो नट जो नीचे वाले होते हैं उनके सुराख कर लेने हैं, केवल सुराख। और उनको आपको जो है इस पत्ती के ऊपर, जो एक्स्ट्रा पत्ती फिट की है इसके ऊपर, और एक जो खुद ही इसकी जो पत्ती आती है ना, ये साथ में आती है, इसके उत्तर यहाँ पर आपको एक होल कर लेना है, और उसके अंदर आपको नट डाल देने, दो नट केवल। सेम इसी साइड यही पत्ती लगती है, दो नट डाल देने, एक यहाँ पर और एक इसके खुद के अंदर, एक एक्स्ट्रा में एक खुद के अंदर। तो ऐसे तो ये तो हो गए ऊपर की फिटिंग इसकी, ठीक है। अब नीचे इसको कैसे एडजस्ट किया जाए, जो ट्रैक्टर की जो आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स हैं, इनको ट्रैक्टर के मडगार्ड्स के ऊपर कैसे सेटिंग बिठाई जाए, थोड़ी इसकी जानकारी देता हूँ आपको। ये देखो भाई, ऐसे जो आपकी पाइप होती है, तो जो ये आपकी आर्म्स होती हैं, इन आर्म्स को सबसे पहले आपको जो है टाइटली फिट करना होता है। अब इसमें जो दो होल आते हैं भाई, ये जो आर्म आप जो ख़रीदेंगे, ये मार्केट में मिल जाती हैं, जो म्यूजिक सिस्टम रखते हैं वहाँ पर ये आर्म मिल जाती हैं, और या ट्रैक्टर स्पेयर पार्ट रखते हैं वहाँ पे भी मिल जाती है आर्म्स। तो उसके बाद में इसमें जो, तो दोस्तों जो ये आर्म्स हैं, इन आर्म्स की फिटिंग मैं आपको बताता हूँ थोड़ी कैसी होती है। इसमें देखिए दो होल आते हैं भाई पहले से, और इनमें अगर आप चाहो तो तीसरा होल करके यहाँ पर ऐसी जगह पर होल करें जो कि पूरी मजबूती दे इसको, जैसे यहाँ पर ये आपकी जो स्पोर्ट लग रही है ना मड गार्ड्स की, तो यहाँ पर होल करें तीसरा। या फिर जो हमने कर रखा है कि जो मड गार्ड की स्पोर्ट का एक नट है, इसके नीचे एक पत्ती दबा के और इस पर वेल्ड करवा रखी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं अपनी फिटिंग को मजबूत। और सेम इसी तरह आपको जो दो नीचे नट बैठ देने, और तीसरी आपको जो यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट कर देनी ताकि ये पूरी स्पोर्ट रहे, जो पूरा वजन है बराबर मड गार्ड पर आए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ की फिटिंग ये आपकी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से आपकी जो फिटिंग पूरी मजबूत हो जाती है, यहाँ पर ये स्पोर्ट करवा लेनी है आपको, और ये पाइपें खरीद लेनी, मेन बात है भाई। तो थोड़ा सा आपको जो, अगर आप फिटिंग जहाँ से ये आपने ख़रीदा है सिस्टम वहाँ से करवाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो भाई मैंने आपको बताया इस तरह आप स्पोर्ट लगा के इस तरह से आप फिटिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत मजबूत फिटिंग हो जाती है, और इससे ऊपर कोई फिटिंग नहीं है भाई, और दिखने में बहुत शानदार फिटिंग है ये आपकी पेटी की। और पेटी का ध्यान रखें कि आप जो छतरी है, छतरी से 1 फुट बाहर होनी चाहिए, अगर इसके अंदर भी रखते कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको फिर बैठने में दिक्कत होगी, सीटों पर स्पेस नहीं बचता ज़्यादा अगर आप आगे कर दोगे इस पेटी को। हाँ, तो इसके बाद जो आपका म्यूजिक सिस्टम होता है उसके लिए भाई यहाँ पे एक या दो वायर होती है, ये बाहर गई होती है, तो इसको समझाता हूँ ये कैसे होती है। तो ये जो एक दो वायर आती है आपकी, अब ये वायर हमने यहाँ पर छतरी पर से लेके, और यहाँ पर जो अपने जो टेप की फिटिंग करवा रखी है, टेप के लिए भाई नीचे एडजस्टमेंट तैयार करवा रखी है, और इसके पीछे बस सॉकेट होते हैं, ये सॉकेट आपको गालने होते हैं एक दूसरे के अंदर, और इस तरह से आपकी फिटिंग कंप्लीट हो जाती है भाई। तो हमने यहाँ पर करवा रखी है अपने ट्रैक्टर में जो
टेप की फिटिंग। यहाँ पे कराने का एक फ़ायदा रहता है कि आप जो जब भी अपने ट्रैक्टर पर आसानी से चेंज कर सकते हैं गाने को, और एक अच्छी लुक भी देता है, एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी बिल्कुल सिंपल सी फिटिंग, इसमें कोई ज़्यादा अटरम पटरम वाली चीज़ नहीं है। और इसका एक जो पावर का स्विच है वो हमने यहाँ पर लगवा रखा है, ये देखो यहाँ पर इसका पावर का स्विच लगवा रखा है, और इस तरह से आपकी जो फिटिंग कंप्लीट होती है। अब देखो भाई सीट ऑफ स्पेस कितना बचता है, पूरी की पूरी सीट आपकी खाली बच जाती है, और आपकी पेटी जो है वो भी परफेक्ट तरीके से फिट हो जाती है।